हैप्पी बेबीज एंड मामीज, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बच्चे को आखिर बेड वेटिंग की प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा दिलाएं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अब रात में बिस्तर पे सुसु ना करे, तो उसके लिए बच्चों को कैसे तैयार किया जाए, उसको कैसे ट्रेन किया जाए। तो वीडियो अगर आपके काम की हो तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि बच्चे को अगर आपको कुछ भी सिखाना है तो बच्चे को फिज़िकली उसमें इन्वॉल्व करने से पहले उसके ब्रेन को पहले तैयार करिए। मतलब आपको उसको अच्छे से समझाना है कि अब तुमको ये चीज़ नहीं करनी है क्योंकि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है? तो बच्चा आपकी इस बात को समझ सके, उसका ब्रेन इसके लिए रेडी हो सके, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए। अगर आप बहुत छोटे बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रात में सुसु ना करे, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है और आप बहुत जल्दी इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपको काफ़ी लंबी कोशिश करनी पड़ेगी और उसमें भी चांसेस बहुत कम हैं कि आप कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाए, वो आपकी बातों को समझने लगे, उसके बाद आप इस ट्रेनिंग पे उसको शिफ्ट करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमेशा ये ट्रेनिंग आपको तभी शुरू करनी है जब बच्चा दिन में सुसु के लिए ट्रेंड हो चुका हो, क्योंकि तब तक उसका ब्लैडर इतना बड़ा हो चुका होता है कि जब उसको सुसु लगती है तो वो अगर कहीं पर बैठा हुआ है या कुछ कर रहा है तो अपने सुसु को होल्ड करके और बाथरूम तक वो आ पाता है, तभी वो रात की ट्रेनिंग में भी सक्सेसफुल हो पाएगा। रीज़न क्या है कि जब भी रात में उसको सुसु लगेगी तो एकदम से तो वो मतलब जग नहीं जाएगा, थोड़ा वो डिसकंफर्ट होगा तभी तो जगेगा, उसके बाद आपको भी जगने में टाइम लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा बिल्कुल हिला और आप उठ के बैठ गई, ऐसा तो नहीं है ना। आपको भी थोड़ा आलस आएगा, एक मिनट दो मिनट आपको भी लगेगा। तो एटलीस्ट इतनी कैपेसिटी बच्चे के पास आ चुकी हो, उसके ब्लैडर इतना बड़ा हो चुका हो कि वो सुसु को होल्ड करना थोड़ा सीख चुका हो, तभी आपकी ये ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या है कि बच्चे को समझाना किस तरीके से। आप बच्चे को किसी भी तरीके से समझा सकते हैं, वो मतलब आपके और बच्चे के बीच की कन्वर्सेशन ही डिपेंड करती है। मतलब या तो आप उसको ऐसे बता सकते हैं कि इससे इन्फेक्शन हो जाएगा, बेड में कीड़े पड़ जाएंगे जो कि हमें काटेंगे, परेशान करेंगे, देखो कोई भी नहीं करता है। आप किसी बड़े, अगर उसके कोई कज़न हो, बड़े हो, उनको आप दिखा के समझा सकते हैं, क्योंकि बच्चे बड़ों को बहुत ज़्यादा कॉपी करना चाहते हैं। आप अपने फादर का उसके एग्जांपल दे सकते हैं या घर के और मेंबर्स को भी इंक्लूड करके आप एग्जांपल दे सकती हैं। आप बेडशीट दिखा सकते हैं कि देखो तुम्हारी फेवरेट बेडशीट लगी है, ये गंदे हो जाएंगे उसके कपड़े। मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है इस चीज़ में, तो मतलब मम्मियों का दिमाग ज़्यादा चलता है। तो उस तरीके से आप किसी भी तरीके से मोल्ड करके अपने बच्चे को बस इतना कन्विंस करना है कि तुमको रात को सुसु नहीं करना है। अब बच्चा कभी कभी ये भी कहता है कि हो जाएगा या नहीं उठ पाएंगे, तो आप कहना कि नहीं, उसके लिए मैं हूँ, बस तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें ले जाके करा दूँगी, उसके लिए तुम परेशान नहीं हो। क्योंकि मेरी बेटी ऐसे ही कहती थी कि मम्मा मुझे हो जाएगा सुसु फिर, तो मैं हमेशा उससे कहती थी कि तुम मुझे बस बता देना कि तुम्हें सुसु आया है, मैं तुम्हें ले जा करके करा दूँगी। या कभी टाइम्स तो मैं उसको इतना कॉन्फिडेंस में लेती थी कि आज चलो हम लोग सोते हैं, आज सुसु नहीं होगा, आज मैं तुमको करवा दूँगी रात में, और देखना सुबह बिल्कुल भी नहीं होगा सुसु। और बात मानिए मेरी आप लोग, मतलब उसके ऊपर ये चीज़ काफ़ी काम करी। मतलब बच्चे ब्लाइंड फेथ करते हैं आपके ऊपर, तो जब आप इतना कॉन्फिडेंस उनके ऊपर शो करते हैं ना, तो डेफिनेटली वो रात को आपको इन्फॉर्म कर ही देते हैं। बच्चा कभी कभी ना आपको ऐसे कुछ चीज़ें शो करता है जिससे आपको खुद को समझ में आ जाता है कि बच्चा रात में इस ट्रेनिंग के लिए तैयार है। मतलब वो खुद चाहता है इस चीज़ को छोड़ना। जैसे कि जब भी आप उसको डायपर पहनाना शुरू करेंगे तो वो बिल्कुल भी डायपर पहनना नहीं पसंद करेगा। तब उस टाइम पे आप उसको बहुत अच्छे से समझाइए कि ठीक है डायपर मत पहनो, लेकिन रात को सुसु तुम मुझको बताना ज़रूर। मतलब ये ऐसा टाइम होता है कि जिसको आपको तुरंत कैप्चर करना है और उसका फ़ायदा उठाना है। बच्चे को समझाना है कि ठीक है डायपर मत पहनो, लेकिन अब तुमको यहाँ पे सुसु नहीं करना है, अदरवाइज़ ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए मुझे जो लगता है सबसे बेस्ट टाइम होता है कि 2 से 3 साल से आप शुरू कर सकते हैं ये चीज़, क्योंकि इस टाइम पर आपके बच्चों के दिन की जो सुसु ट्रेनिंग होती है वो भी चल रही होती है या कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो चुकी होती है। तो जब बच्चा दिन में अच्छे से सुसु होल्ड करना सीख चुका होता है, तब वो रात को भी अच्छे से होल्ड कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट कि कभी भी बच्चे को आप डांटिए मत। समटाइम्स डांटना ज़रूरी होता है, स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप हर बार बच्चे को इस ट्रेनिंग के लिए डांटेंगे या उसको बोलेंगे कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तो फिर वो कुछ टाइम बाद बिल्कुल ही आपको बताना बंद कर देगा। तो हर बार डांटना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और अगर बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका है, मतलब 4 से 5 साल का हो गया और अभी भी वो बेड वेटिंग करता है, तो कभी भी मतलब वो ऐसा ऑब्वियसली करके फिर शाई फील करता होगा, तो आप उसको ये समझाइए कि शाई फील करने की तुमको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम दोनों मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो मुझको बस बताया करो कि तुमको कब सुसु आई है या क्या प्रॉब्लम तुम फील कर रहे हो, उससे अच्छे से बैठ करके बात करिए, और इसी से कहीं ना कहीं आपको
जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि जब भी आप इस चीज़ की ट्रेनिंग के लिए तैयार हो उस टाइम पे डेफिनेटली आप अपने बेड के लिए एक एक्स्ट्रा ड्राई शीट कवर मंगा करके लगा दीजिए। वैसे तो मुझे लगता है कि छोटे बच्चे जैसे ही घर में आते हैं हमें ड्राई शीट कवर अप्लाई कर देना चाहिए, वो भी जो बेड शीट के नीचे लगाई जाती है, क्योंकि उससे एक तो बच्चों को पता नहीं चलता है प्लस आपका मैट्रिक्स भी काफ़ी हद तक बच जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चे को आप ट्रेनिंग देनी शुरू करनी है तो आपको उसके डायपर की पैंट हटानी पड़ेगी। मतलब कि चाहे रात की ट्रेनिंग हो या दिन की ट्रेनिंग, दोनों ही ट्रेनिंग को देने के लिए बच्चे को डायपर से फ्री करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि बच्चे कभी कभी क्या होता है कि आपने उनको 10 दिन की ट्रेनिंग दे दी, बच्चे सीख भी जाते हैं, उसके बाद भी समटाइम्स एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, और उस टाइम पे अगर बच्चे ने डायपर पहना हुआ है तो डेफिनेटली उसको लगेगा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई और फिर से वो उसी में सुसु करना स्टार्ट कर देता है। तो अपनी ट्रेनिंग को ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जैसे ही आप सोचें इस ट्रेनिंग के लिए बच्चे को तुरंत डायपर फ्री करिए। मतलब अब उसको डायपर नहीं पहनाना है, और आपको एक्सीडेंट्स के लिए भी रेडी होना है प्लस थोड़ा सा अवेयर ज़्यादा होना है ताकि एक्सीडेंट्स ज़्यादा ना हो सके, बच्चा उस चीज़ को होल्ड करना सीख सके। जो बहुत सी कॉमन सी प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी क्या होता है ठंड की वजह से बच्चों को सुसु होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि रात में बच्चों को अच्छे से ओढ़ा करके सुलाइए, क्योंकि ऑब्वियसली पंखा चलता है, एसी चलती है, जिसकी वजह से बच्चों को ठंड लगती है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि सारे बच्चे हमेशा कवर अप होकर के सोते नहीं हैं रात भर, तो आप क्या करिए कि उनका जो बॉटम वियर होता है, मतलब जो उनकी पैजामी होती है, उसको आप थोड़ा सा वुलन या फिर थोड़ा मोटा इस तरीके का आप लीजिए, जो कि रात के लिए स्पेशली हो, जो कि स्पेशल रात में आप यूज़ करते हो, और वो उनको पहनाकर सुलाइए ताकि गर्मी मेंटेन रहे, क्योंकि ठंड लगने से वैसे ही सुसु हो जाती है बच्चों को। और अगर लिक्विड की बात करें तो बच्चे को हमेशा सोने से एक घंटे पहले आप जो भी उनको खिलाना है पिलाना है, मतलब दूध देना है, पानी देना है, जो कुछ भी देना है, वो एक घंटे पहले तक सब कुछ दे दीजिए। क्योंकि ये जो एक घंटे का टाइम है, इस टाइम पे आप अपने बेडरूम में आ जाइए, अब बच्चे के साथ बेड के ऊपर ही खेलना शुरू करिए। एक घंटे का टाइम सफिशियंट होता है कि जो कुछ भी लिक्विड उसने लिया है वो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा, और बच्चा अब आप उसको हर 15-20 मिनट पे बोलती रहिए कि चलो अब सुसु कर लो, अब सोएंगे, चलो अब सुसु कर लो, सोएंगे। तो इस तरीके से एक घंटा कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और डेफिनेटली जब आप 2-3 बार उससे पूछेंगे तो एक बार वो सोने से पहले सुसु कर ही लेगा। तो लिक्विड आप उसको देना थोड़ा सा कंट्रोल करिए, सोने से पहले एक घंटे पहले ही आपको दे देना है। दूसरी चीज़ ये करनी है कि आपको अब बच्चे को बार बार पूछना है और सोने से पहले एक बार सुसु करा के ज़रूर सुलाना है। अब एक प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो बिल्कुल सोने से पहले ही दूध पीते हैं, तो उस केस में क्या करना है कि आपको रात में एक हल्का अलार्म लगा करके सोइए, क्योंकि आपको बच्चे को 1-2 बार सुसु कराना पड़ेगा। तो जैसे आप 12 बजे लगा सकते हैं, एक बार बच्चा 12 बजे सुसु करता है, एक बार 4 बजे आप चेक कर सकते हैं, और एक बार जैसे ही बच्चे सो के उठने वाला होता है 6-7 बजे के करीब में। तो ये वो टाइम्स होते हैं जहाँ पे एग्जैक्टली बच्चा सुसु करता है। अब अगर बच्चे ने लिक्विड एक घंटे पहले लिया था तो आपको रात में ज़्यादा बार नहीं जगना पड़ेगा, एक बार अगर आप जग लेते हैं तो आई थिंक कि इतना में हो जाता है बच्चों को। लेकिन अगर बच्चे ने लिक्विड एकदम इंस्टेंटली लिया सोने से पहले, तो डेफिनेटली आपको 2-3 बार जगना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि कभी कभी बच्चों के ये भी साइन देना शुरू करते हैं कि वो कभी कभी बच्चों का बिल्कुल रात का बिस्तर गीला ही नहीं होता है, तो उस केस में भी आपके जैसे ही नींद खुले या सुबह 4-5 बजे के करीब में आप उठ करके एक बार उनको ज़रूर सुसु कराइए, अदरवाइज़ वो डेफिनेटली बेडवेटिंग कर देंगे। और रात में जब भी आप उनको सुसु कराने ले करके जाएं तो ध्यान रखिएगा कि मतलब जो भी काम बिल्कुल एनवायरनमेंट है, लाइट बिल्कुल डिम होनी चाहिए ताकि बच्चों की नींद ना टूटे और वो आ करके फिर से उतने ही रिलैक्स होकर के सो सके। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो नेक्स्ट डे से फिर उठेगा ही नहीं सुसु करने के लिए, कि लाइट जल जाती है, शोर होने लगता है, फिर नींद नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं बच्चे उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर वो कोशिश ही नहीं करते हैं कि नेक्स्ट डे वो जा करके सुसु करें। तो ये सारे छोटे छोटे ऐसे टिप्स थे जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा रात में बिस्तर पे सुसु करना छोड़ देगा जल्दी ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपके काम की लगी हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबी।